क्या हिप हॉप और रैप एक ही चीज होती है? पिछले 2-3 सालों से हम ये टर्म बार बार सुनते आ रहे हैं, हिप हॉप म्यूजिक, हिप हॉप आर्टिस्ट, रैप आर्टिस्ट, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों टर्म क्यों अलग अलग चीजों के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, बट हम कॉमन लोग क्यों हम इसे एक ही मान लेते हैं? ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से हिप हॉप म्यूजिक वर्ल्ड वाइड इतना एस्टेब्लिश हुआ, इतना फ्लोरिश हुआ? वो कौन से लोग थे, क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से हिप हॉप एक कल्चर बना और रैप म्यूजिक बना? ये सब हम जानेंगे आज नो हिप हॉप में। हिप हॉप एक कल्चर है, रैप म्यूजिक इसका एक सिर्फ पार्ट है, एक सब जॉनर है, एक एलिमेंट है। हिप हॉप किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट हुआ? हिप हॉप स्टार्ट हुआ अर्ली 1970s में यूएस में न्यूयॉर्क सिटी जो है वहाँ पे ब्रॉन्क्स नाम का एक टाउन है, ये वहाँ पर स्टार्ट हुआ। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, डिप्रेशन आया यूएस में, उसके बाद से यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी अर्बनाइजेशन करने की कोशिश की, बहुत सारे नए नए कस्बे, नए नए शहर बसाए गए। उसी दौरान जो ये ब्रॉन्क्स कस्बा है, इसके बीच में से यूएस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया गया 1963 में। ब्रॉन्क शहर में जब ये क्रॉस एक्सप्रेसवे आया, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, सोसाइटी दो पार्ट से बढ़ गई। एक वो थे जो वाइट लोग थे, अमेरिकन्स थे, पावरफुल थे, लग्जरी लाइफ जीते थे, अच्छा लाइफ स्टाइल था उन लोगों का, और दूसरे लोग वो लोग थे जो कि माइनॉरिटीज थे, बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, पोर्तुगीज थे, और आपके लैटिन्स थे, मैक्सिकन्स थे। इन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, और लाइफ में इनके पास जैसे कहते हैं लग्जरी, वो सब चीज़ें नहीं थी। अब वीकेंड्स पे क्या होता था कि जो ये वाइट लोग थे, पावरफुल लोग थे, ये क्लब्स में जाके पार्टीज करते थे, और वो क्लब्स बहुत महंगे होते थे। रॉक कल्चर उस टाइम फ्लोरिश हो चुका था, क्लब्स में क्लब कल्चर काफ़ी स्टार्ट हो चुका था, बट जो ये हमारे माइनॉरिटीज थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, इनके पास इतनी फैसिलिटीज़, क्लब्स और पैसे नहीं होते थे कि अपनी पार्टीज वैसे कर सके। तो गेटो ब्रदर्स ये एक गैंग था वहाँ का, जिन्होंने अपनी ब्लॉक पार्टीज करनी स्टार्ट की। ब्लॉक पार्टीज जो टर्म है वो इसलिए यूज़ होती है कि ये पार्टीज बेसिकली रोड्स पे होती थी और गेटोज में होती थी, और कभी कभी घरों पे भी ऑर्गेनाइज की जाती थी। इन पार्टीज में सारे लोग इन्वाइटेड होते थे, वहाँ पर लोग अपनी पसंद का म्यूजिक बजाते थे, और जैसे अगर ये पार्टी स्ट्रीट में होती थी तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट लाइट पोस्ट होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के पोस्ट होते हैं, खंबे होते हैं, ये वहाँ से बिजली के कनेक्शन लेकर अपने इक्विपमेंट्स को बिजली सप्लाई करते थे, और वहाँ पे टर्न टेबल और अपने जो लूप्स होते थे, टर्न टेबल्स थे, वो प्ले करते थे, और धीरे धीरे वो कल्चर वहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टीज का। कुछ टाइम के बाद अफ्रीका बोम्बाटा करके एक डीजे है, और उन लोगों ने, ये लोग और डीजे हब, इन लोगों ने मिलके इस कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट किया। लोग इन पार्टीज में आने लगे, एमसिंग होने लगी वहाँ पर, डांस होने लगा वहाँ पर, बैटलिंग होने लगी वहाँ पर, ये सब चीज़ें होने लगी, जिससे कि धीरे धीरे ये वहाँ के लोकल लोगों के कल्चर जो है उसका कल्चर में डिफाइन होता चला गया, उनकी लाइफ स्टाइल बन गया, हर रोज का काम बन गया उनका ये। जिस टाइम गेटो ब्रदर्स अपनी ब्लॉक पार्टीज को पॉपुलराइज कर रहे थे, उसी टाइम डीजे कूल हर्क, जिन्हें फादर ऑफ हिप हॉप भी कहते हैं, इन्होंने बेसिकली अपने डीजिंग सेट पे सैंपल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, जो क्लासिक रॉक से लिए गए थे और वहाँ के उस टाइम के पॉप म्यूजिक से लिए गए थे, कंट्री म्यूजिक से लिए गए थे। जो ये लूप्स होते थे, इन लूप्स को प्ले करते थे, रिपीटेडली प्ले करते थे, और जो लोग अफ्रीकन कल्चर में पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ रैपिंग का स्टाइल। जो लोग पोइट्री अच्छी करते थे, ये इन सैंपल्स पे, इन लूप्स पे अपने 16 बार्स को प्रेजेंट करते थे पोइट्री के थ्रू, और उसको रिदमेटिक स्टाइल में करते थे प्रेजेंट, उसकी वजह से रैप स्टार्ट हुआ। इस मोमेंट को रैप कहा जाने लगा। साथ में ही ये सब जब चीज़ें हो रही थी, अफ्रीका बोम्बाटा, काफ़ी अफ्रीका जाते थे और वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ का जो स्ट्रगल है, उन लोगों का वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है, हसल चल रही है, उन सब चीज़ों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे वो। तो उनके साथ जितने एमसीज होते थे, उनके आसपास जो आर्टिस्ट होते थे, तो उनको उसके बारे में बताते थे, जिससे कि वो लोग वहाँ के लाइफ स्टाइल और यूएस में जो उनके साथ एज ए माइनॉरिटी जो उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, और ऐसे कॉन्शियस हिप हॉप स्टार्ट हुआ। जो हिप हॉप का स्टार्टिंग का टाइम था, जो उसका स्टार्टिंग का अर्ली एस्टेब्लिशमेंट का टाइम था, उस टाइम क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, तो क्राइम रेट काफ़ी बढ़ चुका था, और बिकॉज ये लोग माइनॉरिटी थे, पुलिस भी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, जो गवर्नमेंट थी उनकी ये इनकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती थी,
काफी सारे लोग, जो यूथ था वो जेल में अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। जब ये लोग जेल से बाहर आते थे तो अपनी स्ट्रगल के बारे में कि क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया और क्या इनके साथ गलत हो रहा है, क्यों इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इन चीज़ों को लेकर इन्होंने अपने रैप में ये सब चीज़ें डालना स्टार्ट किया। तो ये सारे सब टॉपिक्स उन्होंने लेने स्टार्ट किए। और इसके अलावा वहाँ पर डिसेस बहुत स्टार्ट हो गई, बोस्ट रैप जिसे कहते हैं, जिसमें आप अपनी तारीफ करते हो, सेल्फ बोस्टिंग रैप, ये कल्चर में आने लग गया। लाइफस्टाइल के बारे में लोग वहाँ पे बात करने लगे, सोशली पॉलिटिकली जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बात करने लगे। इस टाइम को ही ओल्ड स्कूल हिप हॉप कहा जाता है। केथ काउबॉय, इन्होंने सबसे पहले हिप हॉप को हिप हॉप टर्म दिया। क्यों दिया? इनका एक फ्रेंड था जो यूएस आर्मी में सिलेक्ट हुआ था, और जब वो सिलेक्ट हुआ तो उसके सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी कर रहे थे, और इन्होंने उस टाइम हिप हॉप जैसे पासिंग सोल्जर्स मार्च करते हैं, उस फील में, उस रिदम में इन्होंने हिप हॉप को बोलना स्टार्ट किया। इसके बाद से हिप हॉप टर्म कॉइन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से हिप हॉप को हिप हॉप कहा जाने लगा। हिप का मतलब यहाँ पर है अपडेटेड नॉलेज, और हॉप का मतलब होता है मूवमेंट। हिप हॉप का मतलब हुआ कि आप अपने आसपास के समाज, अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में अपडेटेड है, और मूवमेंट इसलिए क्योंकि जो चेंजेस आने हैं वो बिना मूवमेंट के नहीं आएंगे, इसलिए हिप हॉप को हिप हॉप कहा जाने लगा। May 16, 2001, इस डेट पे हिप हॉप को यूनेस्को ने, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस का कल्चरल विंग है जो कि कल्चर को प्रमोट करता है, एस्टेब्लिश करता है, आइडेंटिफाई करता है, उन लोगों ने और यूएन और यूनेस्को दोनों ने हिप हॉप को एज ए कल्चर एक्सेप्ट किया है। हिप हॉप जैसे हमारे बाकी कल्चर हैं, मतलब लैटिन्स हैं, अमेरिकन्स हैं, इंडियंस हैं, एशियंस हैं, वैसे ही हिप हॉप को भी एक फुल फ्लैश कल्चर के रूप में एक्सेप्ट कर दिया गया है। और इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, उनके ऊपर, उनको फ्लरिश करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अभी भी काम चल रहा है। अफ्रीका बम्बाटा जो थे, जो डीजे अफ्रीका बम्बाटा थे, इन्होंने ही जुलू नेशन को एस्टेब्लिश किया। जुलू नेशन एक कम्युनिटी है बेसिकली जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए काम करती है, और इन्होंने ही 5 एलिमेंट जो हैं हिप हॉप के, बेसिक 5 एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप, इन्होंने वो दिए। पहले 4 थे, बाद में इसको 5 कर दिया गया। फर्स्ट 4 एलिमेंट जो हिप हॉप के थे वो थे आपके डीजेइंग, एमसीइंग, ग्रैफिटी और ब्रेक डांसिंग। ये 4 एलिमेंट्स थे हिप हॉप के जो अफ्रीका बम्बाटा ने दिए, और 5वां एलिमेंट नॉलेज जो था वो बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया। हिप हॉप जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हुआ था बेसिकली ऐसा म्यूजिक बनाने के लिए जिसमें कि लोग, माइनॉरिटीज बेसिकली पार्टीज कर सके, जो उनके ब्लॉक पार्टीज थे उसमें पार्टीज कर सके। और धीरे धीरे जब ये इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ तो कॉन्शियस रैप का टाइम आया, पॉलिटिकल रैप, सोशल रैप, आप अपने देश के बारे में, अपने सोशल कंडीशंस के बारे में रैप कर रहे हो। बट इसके बाद कुछ टाइम के बाद एक दौर आया जिसे कहते हैं गैंगस्टर रैप। गैंगस्टर रैप एक ऐसा सब जॉनर ऑफ रैप का था जिसकी वजह से हिप हॉप को वर्ल्ड वाइड कमर्शली एक्सेप्टेंस मिली। आइस टी, रन डी एम सी, NWA, ये वो लोग थे, इनिशियल आर्टिस्ट थे जिन्होंने गैंगस्टर रैप्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया, म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जब इन लोगों के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, इनका असॉल्ट हुआ, फिजिकल अब्यूज हुआ, इन्हें जेल जाना पड़ा, तो इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस अपने रैप म्यूजिक में डालना स्टार्ट किए, और उसके बाद जो सब जॉनर क्रिएट किया गया उसे कहा जाने लगा गैंगस्टर रैप्स। बाद में 50 सेंट ने काफ़ी काम किया गैंगस्टर रैप के ऊपर, और ही टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। MTV पे शो रैप्स करके एक सीरीज आने लगी जो डेडिकेटेड थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि MTV ने हिप हॉप के लिए कोई स्पेशल सीरीज डेडिकेट की थी। लोकल रेडियो स्टेशन में हिप हॉप के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से हिप हॉप ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक पहुँचा, पूरे US में पहुँचा, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ। अभी भी गैंगस्टर रैप वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड, वॉच्ड एंड स्ट्रीम्ड फॉर्मेट ऑफ म्यूजिक है। अगर आप चेक करें और पास्ट के 5-10 साल या 15 साल तक की हिस्ट्री में जाते हैं, जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ हिप हॉप भी कहते हैं, उसमें गैंगस्टर रैप ने ही डोमिनेट किया है, और गैंगस्टर रैप की वजह से ही हिप हॉप को कमर्शलाइज किया गया।
ये दो टर्म हम काफी बार सुनते हैं, ओल्ड स्कूल हिप हॉप और न्यू स्कूल हिप हॉप। ओल्ड स्कूल हिप हॉप का वो टाइम ड्यूरेशन, वो फेस है जब हिप हॉप नया नया स्टार्ट हुआ था, उससे लेके ये चला है 1980s मिड 80s तक। इस दौरान जितने भी गाने बने थे 1960 लेट 60s 70s से 80 मिड तक, उन सब गानों में सोशल पॉलिटिकल मैसेज होता था और अपने सेल्फ स्टोरीज होती थी, अपनी स्टोरी टेलिंग की जाती थी। वहाँ पर आप अपने डे टू डे चीज़ों के बारे में बात करते थे। इसके बाद जो गोल्डन पीरियड ऑफ हिप हॉप स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हम बात करते हैं गैंगस्टर रैप की, और जो थोड़ा क्राइम बेस्ड हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा कमर्शियल भी हुआ है, मिड 80s के बाद ओल्ड स्कूल हिप हॉप खत्म हो गया। जो नया जॉनर आने लगा उसमें लोग अपने सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, बट अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज, गैंगस्टर रैप, इनके बारे में भी काफ़ी बातें कर रहे थे, एक दूसरे को टेस्ट करना, ये सब चीज़ें भी कर रहे थे। रकीम, बेगल, बिगी, टू पैक, ये सारे आर्टिस्ट वो थे जो उस टाइम अपने डे टू डे लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे, सोशली पॉलिटिकली चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अपने क्रिमिनल स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे थे। और इनके म्यूजिक में भी चेंज आया, रॉक एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स इनके म्यूजिक में यूज़ होने लगे। तो ओल्ड स्कूल हिप हॉप जब ख़त्म हुआ उसके बाद ये नया दौर स्टार्ट हुआ। हिप हॉप जो कल्चर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स से, जो कि अगर आप यूएस के मैप में देखते हो तो ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है। और जब हिप हॉप ईस्ट कोस्ट में फ्लरिश हो रहा था तो वेस्ट कोस्ट में लॉस एंजलिस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे थे हिप हॉप को लेकर। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या जितने भी रैप आर्टिस्ट होते हैं या हिप हॉप फॉलोअर्स होते हैं ये हमेशा लूज शर्ट्स क्यों पहनते हैं, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल साइज में शर्ट्स पहनते हैं, और इनके जूते, इनके स्नीकर्स, उनमें कभी भी लेसेस नहीं होते, अगर होते भी है तो कभी पहनते नहीं, उसे टाई नहीं करते, उसे खुला रखते हैं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी मेरे फ्रेंड जो यूएस में हैं उनसे मैंने पूछा जो काफ़ी हिप हॉप को फॉलो करते हैं, तो मुझे ये पता चला कि न्यूयॉर्क में जब क्राइम रेट्स काफ़ी बढ़ गए थे तो जो यूथ था उसको जेल में डाल दिया गया था। काफ़ी सारे यूथ थे जो अपना मैक्सिमम टाइम जेल में स्पेंड कर रहे थे। अब जेल में क्या होता था कि जब ये लोग आते थे, सुसाइडल टेंडेंसी या फिर वेपन की तरह यूज़ करना लेसेस को और बेल्ट्स को, इन दोनों चीज़ों की वजह से कि कहीं वो खुद सुसाइड ना कर ले क्रिमिनल, या फिर किसी और को अटैक ना करे, किसी और को मारने की कोशिश ना करे, तो जेल अथॉरिटीज जो होती थी वो उनके लेसेस और उनकी बेल्ट्स वो पहले ही ले ले जाते थे। उनको जूते मिलते थे बट उसमें लेसेस नहीं होते थे, और उनको जो पेंट्स और उनको जो कपड़े मिलते थे उसमें उनको बेल्ट्स नहीं दी जाती थी। आपको पता है कि जेल अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड जैसी भी हैं, उन सब में एक स्टैंडर्डाइज साइज़ की यूनिफॉर्म मिलती है, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल साइज़ की जो यूनिफॉर्म होती है वही दी जाती है। और ख़ासतौर पर क्योंकि ये जो यंगस्टर्स थे इनको वो कपड़े फिट नहीं होते थे, उनको शुरू से ही एक आदत हो गई थी, क्योंकि जेल में आपको स्टैंडर्डाइज कपड़े ही मिलेंगे, उसमें आपको फिट आ रहे हैं फिट नहीं आ रहे हैं उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको हमेशा अपने से 2-3 साइज़ बड़े कपड़े ही पहनने पड़ते थे, जूते मिलते थे बट जूते में लेसेस नहीं होते थे। तो जब ये क्रिमिनल्स बाहर आते थे अपने टेन्योर ख़त्म करके, जेल के टेन्योर ख़त्म करके, और जब इन्होंने रैप मूवमेंट में अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया, रैपर्स बनना स्टार्ट किए, तो इन लोगों के दिमाग में हमेशा वो बात रही यार कि हम जेल में खुले कपड़े पहनते थे, बैगी पैंट्स पहनते थे, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल वाइट टी शर्ट्स पहनते थे, और जो उनके जूते होते थे उसमें कभी लेसेस नहीं होते थे। तो वो अपना लाइफ स्टाइल जो था, वो जेल के जो टाइम उन्होंने अपना स्पेंड किया जेल में, उसको अपने साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहे, ताकि वो कभी भूले नहीं कि वो कहाँ से आए, वो जेल से आए। जब यही रैपर्स MTV पे देखने लगे इसी गेटअप में, यही डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल वाइट खुली टी शर्ट्स, बैगी पैंट्स, स्नीकर्स, तो लोगों ने भी इन्हें धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से जो लाइफ स्टाइल, जो कल्चर बना हिप हॉप का, बैगी जीन्स, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल शर्ट्स, स्नीकर्स और कैप्स, ये वहाँ से स्टार्ट। तो नो हिप हॉप के एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया कि हिप हॉप रैप से क्यों अलग है, हिप हॉप किसने बनाया, कौन लोग थे, क्या सिचुएशंस थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से हिप हॉप को हिप हॉप बनाया गया, एक म्यूजिक जॉनर बना, एक लाइफस्टाइल, एक कल्चर बना। अपने नेक्स्ट एपिसोड नो हिप हॉप 2 में हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट राइवलरी, वेस्ट कोस्ट राइवलरी, वो कौन से ऐसे म्यूजिक लेबल्स थे
जिन्होंने हिप हॉप को प्रमोट किया, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड तक डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जो हिप हॉप को एक US मार्केट से, जो वहाँ का पॉपुलर म्यूजिक बन गया था, वहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में इसको एस्टेब्लिश किया। और साथ ही हम जानेंगे कि देसी हिप हॉप क्या है, वो कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे, वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने देसी हिप हॉप को एस्टेब्लिश किया, और उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा देसी हिप हॉप मूवमेंट को आगे लेकर जाने में, और वो कौन से लोग थे जिसकी वजह से देसी हिप हॉप मूवमेंट अभी भी कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है, ये सब हम जानेंगे नो हिप हॉप के एपिसोड नंबर 2 में। तो ये सारे अपडेट्स के लिए यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, लिंक्स आर देयर डाउन देयर, यू जस्ट गो एंड हिट दो सब्सक्राइब बटन।